किसान साथी, मैं वीरेंद्र सिंह कछवाहा आपका फार्मर द जर्नलिस्ट में स्वागत करता हूं। आपको बता दें कि आज हम असम नौगांव के एक गांव में हैं, जहां यहां पर आपको तामूल की खेती देखने को मिलेगी। और ये जो वृक्ष दिख रहे हैं मेरे पीछे, तामूल है। और ये तामूल जो सुपाड़ी जिससे निकाली जाती है, और ये सुपाड़ी जो इस बहुतायत मात्रा में ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर क्षेत्र में भी लोग बहुत ही मात्रा में इसको खाना पसंद करते हैं, क्योंकि ये लोगों का एक रिवाज है कि खाना खाने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं। वही ये सुपाड़ी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होती है। और सुपाड़ी को यहाँ आप मेरे पीछे ये बड़े जो तामूल के पेड़ हैं, इनमें सुपाड़ी लगी हुई है ऊपर। ये सुपाड़ी दिख रही होगी, ये सुपाड़ी ऊपर लगी है। और इसी तामूल को तोड़ करके और सुखा करके इसको फिर लोगों को मार्केट में उतारा जाता है। और काफ़ी ही अच्छी चीज़ें देखने में भी अच्छे लगते हैं, और साथ में इसको मार्केट का प्राइस भी अच्छा मिल जाता है, जिससे इसे उत्पादन लगातार किसान साथी कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये तामूल लगा हुआ है जो सुपाड़ी जिससे प्रोसेस होती है, और किस तरह से यहाँ के जो किसान हैं तामूल की खेती करते हैं, और तामूल से ही यहाँ पर अपना जीवन यापन भी करते हैं, और तामूल जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा बाज़ार में मांग भी है। वहीं तस्वीर देखेंगे कि तामूल को तोड़ा जा रहा है, और तामूल को तोड़ करके इससे प्रोसेस करके इसका जो सीड्स है वो सुपाड़ी निकाली जाएगी। यहाँ पर लगातार आप तस्वीर देखते हैं कि कुछ पुराने जो तामूल के पेड़ हैं उसमें सुपाड़ी लगी हुई है, और जो न्यू पेड़ हैं उनकी अभी तैयारियाँ यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं, और ये तैयार हो भी हो चुके हैं। यही बता दें कि लगातार यहाँ पर किसान खेतों में काम कर रहे हैं, जिससे कि तामूल को आगे किस तरह से बढ़ा करके इससे उत्पादन लिया जा सके। वहीं बता दें कि पूरे देश में जिस प्रकार से तामूल और सुपाड़ी की मांग है, वो यहीं असम से ही पूर्ण की जाती है, और असम से ही पूरे देश में तामूल पहुँचाया जाता है। कैसे देखते हैं तामूल को, आओ ये हमारे हाथ में तामूल देखेंगे। तामूल ये जो इस वृक्ष से अभी निकाला गया है, ये तामूल का जो फल है, ये फल के अंदर इसके अभी जब उसको पक जाएगा, इसे छील के निकालने पर सुपाड़ी निकलती है, जो सुपाड़ी हमारे दादा परदादाओं ने इसको खाते हैं, और ये बहुत ही खाने में अच्छी होती है, जिसको मार्केट में भी अच्छा इसका प्राइस होता है। अभी जानेंगे इसका कि क्या प्राइस है, कैसे बिकता है, कैसे इसको प्रोसेस करता है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ एक किसान है, उनसे पूछेंगे पूरी। ये जो सर तामूल है, इसको कैसे प्रोसेस करता है? जो पक्का हो जाएगा सीख किसी तरह, हाँ, तब हम इसके काट के बस रख देते हैं, तब सूख जाता है ना, सूख जाता है। तो भी इसी का रेट होता है पर केजी 700 पर केजी इसी बिकता हो, ऐसे बिकता है। तो ये मार्केट में इजीली बिक जाता है? हाँ, इजीली बिक जाता है, क्योंकि ज्यादा नहीं है तो थोड़ा सा है। अच्छा, इसको जो ये पौधे लगे हुए हैं आपके, ये पौधे कैसे तैयार किए थे आपने? बस ये पौधे जब ये पूरा लगता है, इसे कलर हो जाता है, तो हमने घर में कम से कम 10-15 दिन एक जगह में इकट्ठा करके रख देता हूँ। जब थोड़ा पतला हुआ है, ये पतला हो जाएगा, तब तो इस माटी में इसी तरह बस पोत देने के सिले ऐसे गाड़ देता हूँ, प्रैक्टिकली में दिखा सकता हूँ। बस इसे गत्ता बना के बस इसी तरह हम रोक देता है बस थोड़ा जब ये पक जाता देने से ले, बस जब ये पक जाता है ना, पक जाता है, बस रोक देने से बस फिर ये तैयार बस धीर हो जाएगा। फिर ये कब तक में फल देने लगता है? कम से कम 2 साल बाद फल देता है। तो इसी खेती करना सही है? सही है, हमारा असम के लिए वही एक अच्छा चीज है। हमारा जो कल्टीवेशन, हमारा जो कल्चर है, वही फर्स्ट में वही चलता है, यही चलता है जी। अच्छा, ये बताओ कि ये जो सुपाड़ी है जी, ये जो सुपाड़ी अभी आपने बताया, जो तामूल है, इसको हर खेत में या इसके लिए कोई स्पेशल सॉइल होती है? स्पेशल सॉइल कोई नहीं होता, किसी भी सॉइल पे हो जाता है। सिलेक्शन करना है जो हमारा जो मिट्टी है, काउंसिल मीटिंग सोइंग करना होगा। कौन सी मिट्टी? माना हमारा जो मिट्टी, हाँ, जो ऊंचा वाला जो मिट्टी चाहिए इधर में होता है, और जो नीचे वाला जो मिट्टी है, जो पानी वर्षा का पानी आता है, वही नहीं होता। अच्छा, जलोढ़ मृदा में इसको हम नहीं कर सकते हैं, आपके कहने का मतलब, यानी जो काली मिट्टी होती है जी हो जाएगा उस पे, पहाड़ में भी हो जाएगा। चलिए, क्या नाम है आपका? वाहिदुल इस्लाम रोमरी।